हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रीमियर लीग के मैच के बारे में, जो गाइस खेला जाएगा यहाँ से एवर्टन और बर्नली के बीच में होने वाले इस मैच के बारे में। तो गाइस, इस वीडियो में इन दोनों टीमों के रिसेंट फॉर्म और इन दोनों टीमों के प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे, कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए। और गाइस, बात करेंगे जब ये दोनों टीमें आपस में खेलती हैं तो क्या रहता है इन दोनों टीमों का हेड टू रिकॉर्ड, और गाइस वो कौन से प्लेयर हैं जो कंसिस्टेंट गोल करते हैं इन दोनों टीमों की तरफ से, और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे जिनका ड्रीम इलेवन पर काफ़ी लो सिलेक्शन रहेगा और उन्हें आप अपनी स्मॉल लीग टीम में कैप्टन प्लस वाइस कैप्टन बना सकते हो वीडियो कंप्लीट देखने के बाद और प्लेयर का कंप्लीट रिकॉर्ड देखने के बाद। तो गाइस, उस पर नजर डालते हैं इन दोनों टीमों की पॉइंट्स टेबल पर। तो गाइस, फिलहाल हम आ चुके हैं प्रीमियर लीग के जो पॉइंट्स टेबल वहां पर। तो सबसे पहले नजर डालते हैं एवर्टन इस लीग में 8 पोजीशन पर है, वहीं पर बात करें बर्नली इस लीग में 18 पोजीशन पर है। तो गाइस, एवर्टन ने इस लीग में 3 मैच खेले जिनमें से 2 मैच इस टीम ने विन किया और 1 मैच ड्रॉ भी खेला, अभी तक एक भी मैच लॉस नहीं किया बल्कि 7 गोल अटैकिंग वाइज किए और 3 गोल इस टीम ने डिफेंसिव वाइज गोल कंसीड किए हैं। तो गाइस, 3 मैच में 7 गोल स्कोर करना आप मान सकते हो, जो इसका अटैकिंग वाइज परफॉर्मेंस है, प्रत्येक मैच में कम से कम 2 गोल पर मैच स्कोर करने का एवरेज ये टीम गोल करती है। वहीं पर बात करें, इसने 3 मैच में 3 ही गोल डिफेंसिव वाइज कंसीड किए, तो इसका जो डिफेंसिव वाइज परफॉर्मेंस है, प्रत्येक मैच में 1 गोल पर मैच स्कोर कंसीड करने का एवरेज ये टीम गोल कंसीड करती है। तो गाइस, अटैकिंग वाइज ये टीम प्रत्येक मैच में कम से कम 2 गोल स्कोर करती है और डिफेंसिव वाइज ये टीम जल्दी से गोल कंसीड नहीं करती, बल्कि एक बेहतर टीम के सामने ही प्रत्येक मैच में 1 गोल कंसीड करती है। अब गाइस, बात करें बर्नली इस लीग में 3 मैच खेल चुके हैं जिनमें से अभी तक इस टीम ने एक भी मैच विन नहीं किया बल्कि 1 मैच ड्रॉ जरूर खेला और 2 मैच इस टीम ने लॉस भी किए हैं। अटैकिंग वाइज 2 गोल किए लेकिन डिफेंसिव वाइज इस टीम ने 5 गोल कंसीड किए हैं। तो गाइस, 3 मैच में 2 गोल स्कोर करना आप मान सकते हो, जो इसका अटैक है, प्रत्येक मैच में 0.6 गोल पर मैच स्कोर करने का एवरेज ये टीम गोल करती है। वहीं पर बात करें, इसने 3 मैच में 5 गोल डिफेंसिव वाइज कंसीड किए, तो इसका जो डिफेंसिव वाइज परफॉर्मेंस है, प्रत्येक मैच में 1.5 गोल पर मैच स्कोर कंसीड करने का एवरेज ये टीम गोल कंसीड करती है। तो गाइज, अटैकिंग वाइज प्रत्येक 2 मैच में सिर्फ 1 ही गोल कर पाती है, लेकिन डिफेंसिव वाइज ये टीम कहीं ना कहीं प्रत्येक मैच में 1 या 2 गोल पर मैच स्कोर कंसीड भी कर देती है। तो गाइज, अब बात आती है इन दोनों टीमों की, किस टीम को हम अपने ड्रीम इलेवन टीम के लिए एक फेवरेट टीम मान के चलें। तो गाइज, मैं यहाँ से एवर्टन को ही एक फेवरेट टीम मान के चलता हूँ। क्यों? क्योंकि इसका जो परफॉर्मेंस रहा है प्रीवियस सीजन का अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो एवर्टन काफ़ी बेहतरीन अटैकिंग वाइज प्लस डिफेंसिव वाइज टीम है, तो इसलिए यहाँ से एवर्टन को एक क्लियर कट फेवरेट टीम मान के चलता हूँ। क्यों? क्योंकि ये मैच इसी का होम ग्राउंड में और एवर्टन अपने होम ग्राउंड में अटैकिंग वाइज भी और डिफेंसिव वाइज भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करती है, तो इसलिए। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे इन दोनों टीमों हेड टू हेड मैचेस के बारे में। जब ये दोनों टीमें आपस में हेडवर्ड मैचेस खेलती है तो क्या परफॉर्मेंस देखने को मिलता है इन दोनों टीमों की ओर से, और वहां से क्लियर हो जाएगा कि कौन सी टीम इस मैच में फेवरेट टीम होने वाली है हमारी शमोली टीम क्रिएट करने के लिए ड्रीम इलेवन पर। तो नजर डालते हैं इन दोनों टीमों के हेडवर्ड मैचेस पर। तो गाइज, इन दोनों टीमों के बीच में पिछले 5 हेडवर्ड मैच हुए जिनमें से एवर्टन ने 2 मैच विन किए, 1 मैच ड्रॉ भी खेला और 2 मैच इस टीम ने लॉस भी किए। अटैकिंग वाइज 1 गोल पर मैच स्कोर किया लेकिन डिफेंसिव वाइज 0.8 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया। तो गाइज, जब एवर्टन बर्नली के सामने खेलते हैं तो अटैकिंग वाइज प्रत्येक मैच में कम से कम 1 गोल स्कोर करती है लेकिन डिफेंसिव वाइज जल्दी से गोल कंसीड नहीं करती, 2 मैच में सिर्फ 1 ही गोल कंसीड करती है। अब गाइस, बात करें जो पिछला मैच इन दोनों टीमों के बीच में हुआ, तो वो मैच यहां से बर्नली 2-1 से विन कर गई। अटैकिंग वाइज एवर्टन ने 1 गोल किया लेकिन डिफेंसिव वाइज 2 गोल कंसीड किए, और उससे पहले मुकाबला इन दोनों टीमों के बीच में अगेन मैच और उस मैच का रिजल्ट 1-1 ड्रॉ देखने को मिला। मतलब दोनों टीमों की तरफ से अटैकिंग वाइज 1-1 गोल हुए लेकिन डिफेंसिव वाइज भी इन दोनों टीमों की तरफ से 2-1 गोल कंसीड किए गए, और उससे भी मुकाबले ये टीम 1-0 से विन करके अटैकिंग वाइज काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा लेकिन डिफेंसिव वाइज उससे भी बेहतरीन इस टीम के सामने गोल कंसीड नहीं किया, और उससे भी मुकाबले यहाँ से बर्नली 1-0 से मैच को विन करके अटैकिंग वाइज बर्नली ने 1 गोल किया लेकिन डिफेंसिव वाइज इस टीम के सामने गोल कंसीड नहीं किया। तो गाइज, बर्नली ने भी 2 मैच इस टीम के सामने विन किए और यहाँ से एवर्टन ने भी इस टीम के सामने 2 मैच विन किए, लेकिन एवर्टन ने जो मैच विन किए अटैकिंग वाइज परफॉर्मेंस किया है लेकिन डिफेंसिव वाइज इस टीम के सामने गोल कंसीड नहीं किया, और एक मैच इन दोनों टीमों ने 1-1 ड्रॉ खेला। मतलब अटैकिंग वाइज दोनों टीमों की तरफ से सेम परफॉर्मेंस रहा, डिफेंसिव वाइज भी आप देख सकते हो दोनों टीमों की तरफ से सेम ही परफॉर्मेंस रहा। तो अगर हल्का सा देखा जाए तो एवर्टन का जो परफॉर्मेंस वो काफ़ी अच्छा है। क्यों? क्योंकि यहाँ से बर्नली ने 2 मैच खेले लेकिन बर्नली ने उस मैच में 1 गोल कंसीड कर दिया। तो गाइज, इसलिए मुझे लगता है कि एवर्टन इस मैच में क्लियर कट फेवरेट टीम होनी चाहिए हमारी शमोली टीम क्रिएट करने के लिए ड्रीम इलेवन पर। तो गाइज, हेड टू हेड में एवर्टन फेवरेट टीम निकल कर आती है। अब बात करें इन दोनों टीमों जो करंट फॉर्म है उसका अकॉर्डिंग, जो फिलहाल के टाइम पर जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में।
तो गाइस सबसे पहले नजर डालते हैं एवर्टन के करंट फॉर्म पर। तो गाइस एवर्टन करंटली 6 मैच खेल चुके हैं, जिनमें से 4 मैच विन किए, 1 मैच ड्रॉ भी खेला और 1 मैच इस टीम ने लॉस भी किया है। अटैकिंग वाइज 1.7 गोल पर मैच स्कोर किया, लेकिन डिफेंसिव वाइज 1.3 गोल पर मैच स्कोर कंसीड भी किया। तो गाइस एवर्टन प्रत्येक मैच में फिलहाल के टाइम पर 1 या 2 गोल पर मैच स्कोर करती है, लेकिन डिफेंसिव वाइज ये टीम कहीं ना कहीं प्रत्येक मैच में 1 गोल कंसीड भी कर देती है। अब गाइस बात करें जो पिछला मैच एवर्टन ब्राइटन के सामने 2-0 से मैच को विन करके आ रही है। अटैकिंग वाइज 2 गोल के, लेकिन डिफेंस वाइज इससे भी बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा, 1 भी गोल कंसीड नहीं किया। और उससे भी मुकाबला फिर से ये टीम 2-1 से विन करके, लेकिन अटैकिंग वाइज 2 गोल के, 1 डिफेंस वाइज गोल कंसीड भी किया। और फिर एक मैच ये टीम लीड्स यूनाइटेड से खेली और उस मैच को यहाँ से इन दोनों टीमों ने 2-2 से मैच को ड्रॉ खेला। अटैकिंग वाइज 2 गोल के, लेकिन डिफेंस वाइज भी 2 गोल कंसीड किए। फिर एक मैच साउथहैम्पटन के सामने ये टीम 3-1 से विन कर गई और उससे भी मुकाबला मैनचेस्टर यूनाइटेड के सामने ये टीम खेली और उस मैच को ये टीम 4-0 से लॉस कर गई। और एवर्टन पुमास उनाम्स खेली, फिर इसके सामने ये टीम 1-0 से विन कर गई। तो परफॉर्मेंस देखा जाए तो इस टीम का अटैकिंग वाइज काफी बेहतरीन है, प्रत्येक मैच में ये टीम गोल करती है। और डिफेंस वाइज एक बेहतर टीम के सामने प्रत्येक मैच में गोल कंसीड करती है, वरना हल्की टीम के सामने ये टीम जल्दी से गोल कंसीड भी नहीं करती। तो गाइज रिसेंटली भी काफी परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिलता है एवर्टन की ओर से। अब बात करते हैं जो बर्नली का जो रिसेंट फॉर्म, उसका अकॉर्डिंग जो फिलहाल के टाइम परफॉर्मेंस है उसके बारे में। तो गाइस बर्नली की टीम तरफ से रिसेंटली 6 मैच खेले गए, जिनमें से 2 मैच विन किए, 1 मैच ड्रॉ भी खेला, बल्कि इस टीम ने फिलहाल के टाइम पर 3 मैच लॉस किए। अटैकिंग वाइज 0.5 गोल पर मैच स्कोर किया, लेकिन डिफेंस वाइज 1.2 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया। तो गाइस बर्नली का जो अटैकिंग वाइज परफॉर्मेंस है फिलहाल के टाइम पर आप मान सकते हो 2 मैच में सिर्फ 1 ही गोल करते, 0.5 का मतलब यही है। लेकिन ये टीम प्रत्येक मैच में कम से कम 1 गोल पर मैच स्कोर कंसीड भी कर देती है। अब गाइस बात करें जो पिछला मैच बर्नली लीड्स यूनाइटेड के सामने 1-1 से मैच को ड्रॉ खेलकर आ रही है। अटैकिंग वाइज 1 गोल के, लेकिन डिफेंस वाइज भी 1 गोल कंसीड किया। और उससे भी मुकाबला न्यूकास्टल यूनाइटेड के सामने ये टीम 0-0 से मैच को ड्रॉ खेली, लेकिन बाद में ये टीम पेनल्टी में 4-3 से उस मैच को विन कर गई। और उससे भी मुकाबला लिवरपूल के सामने ये टीम 2-0 से लॉस करी और उससे भी मुकाबला ब्राइटन के सामने ये टीम 2-1 से लॉस की और उससे भी मुकाबला कैडिज के सामने ये टीम 2-0 से लॉस की और उससे भी मुकाबला ब्लैकपूल के सामने ये टीम 1-0 से विन की। तो गाइज इस टीम अगर देखा जाए तो 1 ही मैच विन किया, बल्कि 1 मैच ड्रॉ खेला, वो बाद में पेनल्टी में विन हो गए। और एक मैच इस टीम ने अटैकिंग वाइज प्लस डिफेंस वाइज मैच को ड्रॉ खेला, बल्कि 3 मैच इस टीम ने लॉस किए और अटैकिंग वाइज सिर्फ 1 मैच में ही गोल किया। तो इस टीम का जो परफॉर्मेंस, अटैकिंग वाइज ये टीम प्रत्येक मैच में गोल नहीं करती, बल्कि डिफेंस वाइज ये टीम कहीं ना कहीं प्रत्येक मैच में गोल कंसीड कर देती है। तो गाइज अब बात आती है इस मैच का स्कोर लाइन प्रेडिक्शन क्या हो सकता है हमारी शमोलिक टीम क्रिएट करने के लिए ड्रीम 11 पर। तो गाइज सबसे पहले हमने इन दोनों टीमों की पॉइंट टेबल पर नजर डाली, फिर इन दोनों टीमों के हेड टू हेड मैचेस पर नजर डाले, तो फिर इन दोनों टीमों के रीसेंट फॉर्म पर नजर डाली। तो गाइज इन तीनों चीजों को एक साथ नजर रखते हो इस मैच का स्कोर लाइन प्रेडिक्शन क्या हो सकता है। तो गाइस पॉइंट्स टेबल का अकॉर्डिंग क्लियर कट फेवरेट टीम यहां से एवर्टन देखने को मिलती है, ना कि बर्नली। और हेड टू हेड में भी आप देख सकते हो कि एवर्टन का जो परफॉर्मेंस वो काफ़ी अच्छा है ना, और वैसे ही परफॉर्मेंस आपको यहाँ से बर्नली की ओर से देखने को मिलता है। और रीसेंट फॉर्म का अकॉर्डिंग देखा जाए जो एवर्टन का जो परफॉर्मेंस, अटैकिंग वाइज प्रत्येक मैच में गोल करती है और डिफेंस वाइज भी ये कहीं ना कहीं बेहतर टीम के सामने गोल कंसीड करती है, वरना हल्की टीम के सामने तो गोल कंसीड भी नहीं करती। लेकिन जो बर्नली का जो रीसेंट फॉर्म, वो अटैकिंग वाइज प्रत्येक मैच में गोल नहीं करती, बल्कि डिफेंस वाइज प्रत्येक मैच में गोल कंसीड कर देती है। तो गाइज इसलिए मैं यहाँ से एवर्टन को एक फेवरेट टीम मान चलता हूँ, क्योंकि सारे सोर्स इसी की ओर फेवर कर रहे हैं। तो इसलिए मैं भी इसको अपनी टीम में फेवरेट टीम मान के चलता हूँ और इसी के फेवर हम 7-4 के कॉम्बिनेशन के अनुसार अपने ड्रीम 11 की टीम बनाएंगे। तो इस मैच का स्कोर लाइन प्रेडिक्शन मुझे लगता है कि इस मैच में कम से कम एवर्टन 2 गोल करेगी इस टीम के सामने, लेकिन डिफेंस वाइज गोल कंसीड नहीं करेगी। तो इसलिए इस मैच का स्कोर लाइन 2-0 रहने वाला, और 2-0 प्रेडिक्शन के अनुसार हम अपने ड्रीम क्रिएट करेंगे ड्रीम 11 पर। उससे पहले बात करेंगे इन दोनों टीमों के प्लेयर्स के बारे में, कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए। तो सबसे पहले नजर डालते हैं एवर्टन के प्लेयर्स के बारे में, फिर गाइस बात करेंगे बर्नली के जो प्लेयर्स हैं उनके बारे में, कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए। तो एक बार नजर डालते हैं एवर्टन के प्लेयर्स के बारे में। उससे पहले अगर आप बिल्कुल नए हो और आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। क्योंकि काफ़ी कम समय में हम आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज इस वीडियो के माध्यम से इस चैनल पर देते रहते हैं। तो गाइज आप हमें इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और हाँ, इस मैच जो फाइनल टीम रहेगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने टॉप के कमेंट और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। लेकिन याद रहे सर्च करके ज्वाइन ना करें, क्योंकि फैंक चैनल बहुत बन चुके हैं हमारे चैनल के नाम से और फैंक चैनल वाले सबसे ऊपर आते हैं सर्च करने पर। तो इसलिए सबसे आसान और सबसे बेस्ट तरीका कि आप टॉप के कमेंट और वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। अब बात करते हैं सीधे मुद्दे के प्लेयर वाइज कि कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए। तो सबसे पहले नजर डालते हैं एवर्टन के प्लेयर्स के बारे में।
तो गाइज एवर्टन की टीम की तरफ फिलहाल के टाइम पे जो हाईएस्ट गोल टेकर है पिछले 3 मैच में यहाँ से डोमिनिक कलवर्ट लेविन, जिसने 3 गोल किए लेकिन 2 गोल इस टीम की तरफ से इसने पेनल टीम किए। तो यहाँ से पता चलता है कि ये इस टीम की तरफ से फर्स्ट हाईएस्ट गोल टेकर भी और फर्स्ट चॉइस पेनल टेकर भी। वहीं पर बात करें डेमिरे ग्रे जो कि 2 गोल कर चुका और ये इससे पहले इंग्लिश चैंपियनशिप लीग खेला था और वहाँ पर इसका जो परफॉर्मेंस था वो काफ़ी अच्छा था और इस टीम ने इसको साइन कर लिया। तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा ग्रे। और यहाँ से डेकोरे जो कि आपकी चॉइस रहेगी आपको इसको पिक करना है नहीं करना, सिलेक्शन परसेंटेज काफ़ी हाई है लेकिन एक ऐसा प्लेयर है जो 10-5 मैच में सिर्फ 1-2 गोल करता है। मतलब प्रीवियस सीजन इसने 27 मैच खेले और 27 मैच में सिर्फ इसका 4 ही गोल, मतलब 3 गोल या हाँ 2 गोल, मतलब 3 गोल और 2 असिस्ट देखने को मिले। अब ये पिछला मैच में गोल करे इसका मतलब ये नहीं कि इस मैच में भी गोल करेगा, लेकिन मैं इग्नोर करके चला हूँ, आपकी चॉइस रहेगी आप इसको पिक करते हो नहीं करते हो। लेकिन रिचार्लिसन जो कि एक इंपॉर्टेंट प्लेयर ब्राजीली प्लेयर है और काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया था, अगर आपको याद होगा जैसे अपने यहाँ यूरो कप होता उसी तरह अमेरिका में कोनाफ कप होता और उसमें जिसका परफॉर्मेंस था ब्राज़ील की तरफ से वो काफ़ी बेहतरीन था। तो आप मान सकते हो कहीं ना कहीं कि इंपॉर्टेंट प्लेयर, चाहे तो इसे कैप्टन प्लस वाइस कैप्टन दे सकते हो, लेकिन मेरी टीम का कैप्टन डोमिनिक कलवर्ट लेविन रहने वाला है। तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है उनको मैं एक बार टिक कर रहा हूँ और उन्हें आप अपने ड्रीम इलेवन की टीम में पिक करके चल लेना। अब बात करते हैं असिस्ट के मामले में इस टीम तरफ से कौन से प्लेयर निकल कर आते हैं, तो एक बार नज़र डालते हैं। तो गाइज असिस्ट में भी आपको यहाँ से डेकोरे देखने को मिलेंगे जो कि असिस्ट पोटेंशियल रखता है, लेकिन ये ऐसा प्लेयर मैंने आपके लिए बोल ही दिया कि ये अगर गोल नहीं करेगा ना तो 10-15 पॉइंट आराम से डिफेंसिव वाइज भी दे जाएगा। रिचार्लिसन जो कि एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है अटैकिंग वाइज काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस करता है, कभी भी आपके लिए हैट्रिक में गोल करके दे सकता है, एक हल्की टीम के सामने इतना बनता ही इसका। लेकिन अलेक्स वो भी जो कि ये आपको डिफेंसिव पॉइंट देगा और यहाँ से टाउनशीड ये भी एक ऐसे प्लेयर है हिट एंड मिस टाइप का प्लेयर है और एलान भी आपके लिए डिफेंसिव पॉइंट देगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ से जो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है वो रिचार्लिसन है, तो यहाँ से इन्हीं को पिक करके चलेंगे। अब बात करते हैं जो सेकंड टीम के जो प्लेयर्स उनके बारे में कि कौन से प्लेयर कितना गोल और कितना असिस्ट किए, तो एक बार नज़र डालते हैं बर्नल के प्लेयर्स के बारे में। तो गाइस बर्नली की टीम तरफ से सिर्फ 2 ही गोल देखने को मिले, तो वैसे ही मैं आपके लिए उन प्लेयर्स के बारे में बता देता हूँ जो 2 गोल आप देख यहाँ जेम्स ट्रोसविस की और क्रिस वुड ने किया था। तो यहाँ से दोनों प्लेयर इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रीवियस सीजन जो हाईएस्ट गोल टेकर थे इस टीम तरफ से क्रिस वुड थे जिसने 12 गोल किए थे। तो कहीं ना कहीं ये एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है और इन्हें हम अपनी टीम में पिक करके चलेंगे, चाहे तो इसे आप वाइस कैप्टन भी दे सकते हो। लेकिन दूसरी टीम एवर्टन काफ़ी डिफेंसिव वाइज टीम है, उस टीम के सामने गोल करता है नहीं करता वो देखने वाली बात रहेगी। वहीं पर बात करें वेदरा, ये भी हिट एंड मिस टाइप का प्लेयर है लेकिन परफॉर्मेंस अच्छा रहता है इसका अटैकिंग वाइज। और यहाँ से असले बर्नेस, ये भी एक ऐसा ही प्लेयर है जो कि काफ़ी मैचों में काफ़ी कम गोल करता है। और बाकी यहाँ से असले वेस्टवुड जिसका सिलेक्शन परसेंटेज काफ़ी कम है, लेकिन मेरे हिसाब से एक इंपॉर्टेंट प्लेयर, डिफेंसिव पॉइंट भी देगा और आपके लिए अटैकिंग वाइज कहने के गोल प्लस असिस्ट का भी पोटेंशियल रखता है। यहाँ से मैकनाइल जो कि आप चाहे इग्नोर कर सकते हो, बाकी के जो भी प्लेयर्स हैं सभी का आपके सामने रिकॉर्ड आप स्क्रीनशॉट ले लेना। जो यहाँ से इंपॉर्टेंट प्लेयर निकल कर आते हैं मैं एक बार टिक कर रहा हूँ और उन्हें आप अपनी टीम में जरूर पिक करके चल लेना। तो ये आपकी चॉइस रहेगी आप यहाँ से वेडरा और यहाँ से बर्नेस और मैकनाइल इनको पिक करते हो नहीं करते, लेकिन मैं फिलहाल के इग्नोर कर चला हूँ क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छा नहीं देखने को मिला अब से पहले इन प्लेयर्स का। अब बात करते हैं असिस्ट मामले, इस टीम तरफ से प्रीवियस सीजन कौन से प्लेयर निकाले, तो हाईएस्ट असिस्ट तो नजर डालते हैं। तो गाइज हाईएस्ट असिस्ट यहां से मैकनील जिसने 5 असिस्ट 2 गोल, तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो सकता है लेकिन डिफेंसिव पॉइंट देगा, लेकिन इस मैच में आपके लिए क्रेडिट प्रॉब्लम काफी हाई आएगी। अगर इंपॉर्टेंट प्लेयर खेलेंगे तो उस कंडीशन में आप यहां से कुछ प्लेयर्स को तो सेक्रीफाइस करना ही होगा। और यहीं पर बात करें क्रिस वुड जो कि एक इंपॉर्टेंट प्लेयर, इसको मैं अपनी टीम से सेक्रीफाइस नहीं करने वाला क्योंकि परफॉर्मेंस इसका अच्छा रहा है। असले वेस्टवुड जो कि एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है इनको पिक करके चलेंगे, बाकी के जो भी प्लेयर्स हैं उन सभी का आपके सामने रिकॉर्ड है आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अब बात करते हैं इस मैच का स्कोर लाइन प्रेडिक्शन, हमने 2 गोल एवर्टन रखा और 0 गोल बर्नली रखा और 2-0 के प्रेडिक्शन के अनुसार क्या रहने वाली इस मैच जो हमारी शमोलिक टीम है ड्रीम इलेवन पर, तो नजर डालते हैं ड्रीम इलेवन की टीम। तो गाइज फिलहाल के लिए ये टीम जिसमें कैलवर्ट लेविन को कैप्टन रखकर चले, रिचार्लिसन को अपनी टीम में वाइस कैप्टन देकर चले, असले वेस्टवुड को हम टीम में पिक करके चलें, क्रिस वुड को पिक करके चलें और यहाँ से मैकनेल को भी पिक करके चलें, और यहाँ से लुकास डिग्नी जो असिस्ट पोटेंशियल काफ़ी हाई रखता है और की पासेस अच्छा निकालता है, तो उस कंडीशन में आप इन्हें एक हाई स्कोरिंग मैच में कैप्टन प्लस वाइस कैप्टन भी दे सकते हो एवर्टन की ओर से। और यहाँ से कीन एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है कोलेमन जो कि ये भी काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस करता है अटैकिंग वाइज भी और डिफेंसिव वाइज भी डिफेंडर में से, तो एक इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी के जो भी प्लेयर से गिरे जो कि इंपॉर्टेंट प्लेयर है क्योंकि इंग्लिश चैंपियनशिप लीग में इसका परफॉर्मेंस अच्छा था, चाहे तो आप इसे ड्रॉप भी कर सकते हो क्योंकि 90 मिनट तो खेलेगा नहीं, ये आपको कम से कम 75 या 60 मिनट खेलते नजर आएगा, उस कंडीशन में इसका जो क्रेडिट है वो काफी हाई है, चाहे तो इसे आप इग्नोर भी कर सकते हो। अब बात करते हैं जो इस मैच की जो फाइनल टीम रहेगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने टॉप के कॉमेंट और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया और आपको हमारे चैनल पर 9000 प्लस के सब्सक्राइबर देखने को मिलेंगे, उसी टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट
नेक्स्ट वीडियो में। खुद का ख्याल रखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और हाँ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि काफ़ी कम समय में हम आपके लिए एक एक प्लेयर्स हेड टू हेड रिसेंट फॉर्म और प्लेयर्स का रिकॉर्ड क्लियर बता देते हैं। तो उम्मीद है कि मुझे आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद नहीं आई तो सच में बोल रहा हूँ कि वीडियो को डिसलाइक कर देना, जो आपके लिए डिसलाइक का ऑप्शन यूट्यूब ने दिया हुआ, वो भी किसी काम के लिए दिया। जो पसंद नहीं वो नापसंद में तब्दील हो सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुद का ख्याल रखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेक केयर, बाय।